बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, माय व्यूवर्स। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है और एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हमने पढ़नी है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती है स्टूडेंट्स? साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो इक्वेशंस हैं कि इन विच मोर देन वन इक्वेशंस विच आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यानी मोर देन वन इक्वेशंस, यानी दो इक्वेशंस होती हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो दो हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस और उनके अंदर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। और ये इस किस्म की इक्वेशंस हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है? सेम होता है। सॉल्यूशन सेट जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है? डिफरेंट टाइप की आपको इक्वेशंस दी हुई हैं जिनमें फर्स्ट टाइप के अंदर जो है, जैसा पहला पार्ट आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन नंबर वन इज लीनियर एंड इक्वेशन नंबर टू इज क्वाड्रेटिक। इसी तरह से आगे हम जब जाएंगे पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर सिक्स, सेवन, तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों इक्वेशन जो होंगी क्वाड्रेटिक होंगी। तो हम पहले फर्स्ट टाइप को देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास है इक्वेशन वन इज लीनियर, 2x - y = 3। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में भी x की पावर 1 है और सेकंड टर्म y में भी y की जो पावर है वो क्या है? एक्सपोनेंट जो क्या है? 1 है। यानी दोनों क्या हैं? लीनियर हैं। जबकि इक्वेशन 2 के अंदर आप देख सकते हैं x² + y², तो दोनों टर्म्स के अंदर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, विच शोज दैट कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? प्रोसीजर क्या होगा? वी विल कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आइदर y और x, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर जो हमें ज्यादा सूटेबल लगा। हम x की या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे और फिर हम उस इक्वेशन 2 को जो है आगे सॉल्व करेंगे और एट द एंड हमारे पास x की या y की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम फर्दर यूज करेंगे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि मैंने कहा, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज 2x - y = 3। अब यहां पर ज्यादा बेहतर मैं समझता हूं y की वैल्यू फाइंड करना। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस माइनस y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। माइनस y उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 3 + y हो जाएगा। अब y को उधर शिफ्ट करने की, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की मेन रीजन क्या थी? कि हमने क्या किया? नेगेटिव y को पॉजिटिव y के तौर पर हासिल कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हमने 2x - 3 = y। अब y को अलोन करने के लिए, y को आइसोलेट करने के लिए हमने क्या किया? प्लस 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, उधर जाके ये क्या हो गया? -3 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 शोज द वैल्यू ऑफ y व्हिच इज 2x - 3। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुटिंग equation number 3 in equation number 2. So equation 2 implies, what is equation number 2? x square plus y square is equal to 2। अब हमने करना क्या है? हमने x square को उसी तरीके से लिख दिया, y की जगह पर अब y की वैल्यू पुट करनी है। y की जगह पर हमने क्या करना है? y की वैल्यू, which is 2x - 3, which is 2x - 3। ठीक हो गया। नाउ x² + a - b² दो टर्म्स हैं, 2x और 3, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड फार्मूला a - b² = a² - 2ab + b². नाउ व्हाट इज a स्क्वायर यानी 2x² एंड व्हाट इज b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर एंड व्हाट इज 2ab, a इज 2x एंड b इज 3। सो a² - 2ab + b² - 2ab बिकॉज a - b² है, बीच में क्या है? माइनस है। ठीक हो गया। नाउ x² 2x² मीन कि 2 का भी स्क्वायर होगा 4, x का भी स्क्वायर होगा x² माइनस यहां से ले लेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और x उसी तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या मौजूद है? साथ x मौजूद है।
प्लस 3 का स्क्वायर आ गया आपके पास 9. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर और 4x स्क्वायर बोथ आर लाइक टर्म्स, सेम बेसिस, सेम पावर, सो हम इनको ऐड कर देंगे क्या 5x स्क्वायर माइनस 12x उसी तरीके से प्लस 9 उसी तरीके से. अब 2 ऑन द राइट हैंड साइड मौजूद है, उसको हमने शिफ्ट करना है टू द लेफ्ट हैंड साइड ताकि लाइक टर्म्स भी आपके पास एक जगह पे आ जाए और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपके पास आ जाए, यानी इज इक्वल टू 0 भी आपके पास आ जाए. नाउ 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, बिकॉज प्लस 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 7. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम पहले चैप्टर के अंदर बार बार डिस्कस कर चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर 2 है यहां पर, ठीक है, और हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमारी कोशिश ये है कि इसको फैक्टराइज करें, ठीक है. अगर फैक्टराइज ना हुई तो हम फिर इसका कोई अल्टरनेट मेथड सोचेंगे, लेकिन एट द मोमेंट हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हम इसको फैक्टराइज करें. फॉर फैक्टराइजेशन आप सिंपल से रफ प्रोसेस करते होते हैं, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट 5, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट 7 के साथ, वी गेट प्रोडक्ट एज 35. मिड टर्म इज 12. 12 को ब्रेक करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है. 12 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट 35 आए, और सम क्योंकि कांस्टेंट का प्लस का साइन है तो सम आपके पास आना चाहिए 12. और सिंपल सी बात है, 7 और 5, 7 5s आर 35 एंड 7 और 5 ऐड कर दें तो 12 आता है. मिड टर्म के साथ माइनस है, इसका मतलब दोनों टुकड़ों के साथ माइनस होगा. वैसे भी सम या एडिशन की डिमांड है सेम साइन, और वो सेम साइन हमने किसको देख के लगाने हैं, मिड टर्म के साइन को. नाउ 5x स्क्वायर उसी तरीके से आएगा, हमने स्प्लिट करना है माइनस 12 को, ये हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 7x. मैं इसको 7 और 5 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 5 वाले को 5 वाले के साथ और 7 वाले को 7 वाले के साथ, ताकि नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जो स्टेप है कॉमन का वो आसानी से हो जाए. अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर 5 अवेलेबल है कॉमन, और उसके साथ साथ आपके पास अवेलेबल है x. सो दैट्स व्हाई हमने कॉमन ले लिया किसको 5x को. कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगेगी, 5 कॉमन चला गया नहीं लिखा जाएगा, x स्क्वायर में एक पावर बाहर चली जाएगी एक पावर रह जाएगी अंदर, माइनस का साइन यहां से उठाएंगे. 5x पूरे का पूरा कॉमन चला गया, उसकी जगह पे 1 रह गया. नेक्स्ट टू टर्म में आप देख सकते हैं कि थर्ड टर्म के साथ माइनस आ रहा है, सो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. एंड देन 7 एंड 7 दोनों के अंदर अवेलेबल है, सो 7 कॉमन ले लिया. माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा, 7 बाहर चला गया सिर्फ x रह गया, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है. 7 पूरे का पूरा कॉमन जाएगा तो आपके पास रह जाएगा क्या 1. नाउ यू पीपल कैन सी दैट x माइनस 1 एंड x माइनस 1 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है. नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको भी क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, और ब्रैकेट में रह जाएगा यहां से 5x और यहां से माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, आइदर द फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. आपको पता है कि जब हम x को आइसोलेट करते हैं तो माइनस 1 को तो शिफ्ट कर देंगे, प्लस 1 हो जाएगा. वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 1 आ गया, एक रूट आ गया. अब यहां पर आपके पास आ गया जी 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो x को आइसोलेट करने के लिए पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, माइनस 7 को शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे, तो माइनस 7 राइट साइड पे जाके प्लस 7 हो जाएगा. अब x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने आइसोलेट, x को आइसोलेट करने के लिए दूसरी तरफ ले जाकर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. सो x के दो रूट्स हमारे पास, दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई और एक 7/5 आ गई. सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रिपोर्ट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 आपको याद होगी हमने लिखी थी 2x - 3 = y. अब ये वाली इक्वेशन बिल्कुल एक सेपरेट y की वैल्यू को शो करती है कि जिसके अंदर हमने कोई शफलिंग वगैरह नहीं करनी, हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए इक्वेशन 3 हासिल की हुई है. हमें दोबारा से तमाम जो है वो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को जो है कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, शफल करने की जरूरत नहीं है टर्म्स को. स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास y की वैल्यू लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. सो इक्वेशन 3 के अंदर हमने क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है. सो x की जगह पे 1 आ जाएगा, सो 2 इनटू x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू y. 2 1 इज 2 माइनस 3 उसी तरीके से इज इक्वल टू y उसी तरीके से. नाउ प्लस 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा. सो ये वैल्यू है y की, कौन सी x की वैल्यू के लिए, 1, जब x क्या था 1. अब हमने स्टूडेंट्स जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखने होते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस होती हैं वो 1 वेरिएबल में नहीं होती बल्कि 2 वेरिएबल में होती हैं. लिहाजा यहां से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, मैं रख लें
कि व्हेन एक्स इज 1 देन वाई इज माइनस 1 सो द फर्स्ट ऑर्डर पेयर शुड बी 1 व माइनस 1. अब नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा वो उसके लिए हमने क्या करना है, नाउ वी पुट एक्स इज इक्वल टू 7 बाई 5 इन इक्वेशन नंबर 3. What is equation number 3? Rewrite equation number 3. 2x minus y, 2x minus 3 is equal to y. अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है 2 into 7 over 5 minus 3 is equal to y. 2 multiply by 7 होगा, जाहिर सी बात है 5 के साथ ये divisible नहीं है. So 2 7s are 14 and divided by 5 उसी तरीके से is equal to y. अब दीज आर टू फ्रैक्शंस, जाहिर है 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है. सो दैट्स व्हाई ये दोनों फ्रैक्शंस हैं सबट्रैक्ट हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है. 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा. वेरी सिंपल सी बात है. अब 5 को 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. और 1 जब आ जाएगा तो एलसीएम 5 आ गया. अब स्टूडेंट्स आपने 5 को 5 पे डिवाइड कर देना, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपने एलसीएम पे डिवाइड कर दिया, तो 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 आ गया. उस 1 को आपने न्यूमरेटर 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 का 14 आएगा. वैसे भी हमें पता है कि जब पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर उसी तरीके से शिफ्ट होता है. अब नेक्स्ट जो आपके पास फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को आपने 5 को डिवाइड करना है तो जाहिर है ये 5 टाइम ही डिवाइड होगा. उस 5 टाइम को आपने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -15 आ गया और इज इक्वल टू y. +14 -15 इज -1, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल. और दिस इज अ वैल्यू ऑफ y वेरिएबल फॉर x इज इक्वल टू 7/5. अब हमने स्टूडेंट्स यहां पर जो सॉल्यूशन सेट लिखना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा. अब पहला जो ऑर्डर पेयर होगा वो कहां से लिखा जाएगा, व्हेन एक्स इज 1 देन वाई इज -1. सो एक्स इज 1 एंड वाई इज -1 फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स. एंड नाउ व्हेन एक्स इज 7/5 देन वाई इज -1/5. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस अब हमने इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर 4. द इक्वेशंस आर गिवन, द इक्वेशन 1 इज लीनियर, 2x + y इज इक्वल टू 4, एंड द सेकंड इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, x² - 2x + y² इज इक्वल टू 3. हमने इनको लेवल कर लिया एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. जिस तरह हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या किया था, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हमने किसी एक वेरिएबल की x की या y की वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड करके उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 2. यहां पर भी हमने सेम टू सेम वही काम करना है. सो कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इंप्लाइज इज 2x + y इज इक्वल टू 4. नाउ यहां पर स्टूडेंट्स y आपके पास अकेला है, कोएफिशिएंट 1 है. आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. y इज इक्वल टू 4 - 2x, यानी हमने y को इस इक्वेशन में आइसोलेट कर दिया. जो इसके साथ प्लस 2x था उसको शिफ्ट कर दिया टू द राइट हैंड साइड और ये दूसरी साइड के आके -2x हो गया. नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, जिसको हम एट द एंड डील करेंगे जब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हासिल कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. नाउ पुट दिस इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 से हमने y की वैल्यू पुट करनी है इन equation 2. So rewrite equation number 2, which is x square minus 2x plus y square. तो अब मैं y की जगह पर, क्योंकि मैंने value put कर दी यहाँ से 4 minus 2x, तो मैं y नहीं लिखूंगा बल्कि y की जगह पर 4 minus 2x मैंने put कर दिया. Now x square minus 2x plus a minus b whole square का formula यहाँ पे applicable, which is equal to a square minus 2ab plus b square is equal to 3. So a is 4 and b is 2x. So a square आ गया आपके पास, a का square यानी 4 का square, और b का square आ गया यानी 2x का square, और फिर a और b की जगह 4 और 2x को adjust कर देना है. ठीक है. Now x square minus 2x plus 4 का square आपके पास आ गया यहाँ से 16. माइनस टू ए भी जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 8 2 16, सो दिस इज -16, साथ x आ जाएगा यहाँ से, प्लस
2x का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और x का भी स्क्वायर होगा x स्क्वायर, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3। सो यहां पे आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लें, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और जो लीनियर टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करके लिख लें। आपको नजर आ रहा है -2x और -16, इनको हमने कलेक्ट करके लिख लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है 16 उसको हमने एट द एंड लिख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज हो गया और उसके साथ साथ हमने लाइक टर्म्स को भी क्या कर लिया, कलेक्ट करके लिख लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर आप एक दफा रिव्यू कर लेंगे, आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म्स होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। सो वी हैव 1 2 3 4 5 टर्म्स। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को 4x स्क्वायर में ऐड कर देंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां पर भी सेम साइन है -2x -16 तो ये -18x हो जाएगा, +16 उस तरफ से राइट हैंड साइड से +3 को शिफ्ट कर दें स्टेप में, +3 तो जाके -3 हो जाएगा। 5x square minus 18x minus 13 is equal to 0, minus 13 plus 13 आएगा क्योंकि plus 16 minus 3 है तो plus 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नजर आ रहा है कि this is a quadratic equation in variable x और standard form में भी है, so आपने क्या करना है, इसको factorize करना है। so factorization के लिए हम mid term को break करते हैं, तो 5 को 13 से multiply किया तो 65, और फिर 18 के ऐसे टुकड़े की जिनका प्रोडक्ट 65 और एडिशन यानी सम 18 आना चाहिए, तो ये यही बनेंगे 13 और 5, क्योंकि 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया अभी हमने तो 65 आ रहा है, 13 को 5 को ऐड करें तो डेफिनेटली 18 आता है। सो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, दोनों के साथ माइनस आएगा क्योंकि एडिशन की डिमांड यही है कि आपके पास दोनों के साथ साइन सेम होना चाहिए, और वो सेम साइन भी आपने कौन सा रखना है जो मिड टर्म के साथ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों में 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, सो 5x इज कॉमन, विद इन ब्रैकेट रह जाएगा आपके पास सिर्फ x, क्योंकि 5 भी बाहर गया, x स्क्वायर में से एक पावर बाहर जाएगी, 5x पूरे का पूरा कॉमन गया तो उसकी जगह पर आपके पास क्या रह जाएगा 1, और फिर इन दोनों में -13 कॉमन है तो माइनस कॉमन लेने से न सिर्फ विद इन ब्रैकेट चेंज आएगी और वो चेंज क्या होगी, साइन की चेंज, बल्कि उसके साथ साथ 13 को भी आपने बाहर लिख लेना है। सो ब्रैकेट में आपके पास आना चाहिए x माइनस 1, सो x माइनस 1 को आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया आपके पास 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। हियर जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर द फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वेरी सिंपल, x माइनस 1 होता जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, सो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, एंड यहां पे आपने दो स्टेप करने हैं कि 5x इज इक्वल टू 13, पहले स्टेप में माइनस 13 को राइट साइड पे शिफ्ट किया और फिर उसके बाद आपने लिखना है इसको 13/5, क्यों 5 को मल्टीप्लाई करने इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बारी बारी हमने x और x दोनों को बारी बारी पुट करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सो पुट x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट केस आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसको आपने पुट करना है इन 3, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था इक्वेशन नंबर 3 जो हम हासिल कर रहे हैं ये इसका हमें यहाँ पर भी फायदा होगा कि आप डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी, आपको 1 और 2 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सो इक्वेशन 3 इज y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, एंड y आपके पास आ जाएगा अगर आप वैल्यू पुट कर दें x की जगह पर, कौन सी जो ऊपर आपने कहा पुट। सो y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पर माइनस 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 ही रहेगा, और फिर आपके पास y की वैल्यू आ गई 2। नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इन द सॉल्यूशन सेट, कि व्हेन x इज 1 देन y इज 2, सो 1 बाय 2 इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द सेकंड ऑर्डर पेयर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की सेकंड वैल्यू विच इज कहां पे कैलकुलेट की है रही 13/5, सो इन 3 इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 इज y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये हमारे पर लिखी हुई है 4 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, x की जगह पर आप लिखोगे 13/5।
Now y is equal to 4 minus 13 2s are 26 divided by 5. LCM लेना पड़ेगा जो कि 5 आएगा और जाहिर सी बात है 4 के डिनोमिनेटर में 1 है वो 1 5 पे 5 टाइम जाता है लिहाजा वो 5 टाइम 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 एंड देन आपके पास ये आ जाएगा माइनस 6 ओवर 5. सो व्हेन x इज 13 ओवर 5 देन आपके पास y इज माइनस 6 ओवर 5. सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर यू कि व्हेन x इज 1 देन y इज 2 एंड व्हेन x इज 13 ओवर 5 देन y इज माइनस 6 ओवर 5. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. सो हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट जो एक दूसरे से मिलते जुलते थे सेम टाइप के थे कि जिसमें इक्वेशन 1 लीनियर थी इक्वेशन 2 जो है वो क्वाड्रेटिक थी हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने पार्ट नंबर 6 और 7 को जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने सिलेक्शन की हुई है पार्ट नंबर 6 एंड 7 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.